नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मोर निवेदिता बुलेटिन पूर्वरु हेडलाइंस ग्यांगस्टर राजा आचार्य को गिरफ दादाबटी जुलम अभियोग रे राजा को उठाई नेला कमिश्नरेट पुलिस कैपिटल थाना रे चली छि जेरा महामारी रे महा लूट दिबा लोक रे हिताधिकारी को चूनो लगाउछंती डीलर गरीब हिताधिकारी को राशन सामग्री हड़प अभियोग अनुगुल तलगड़ गांव आसला संगीन अभियोग ब्रजराजनगर निआरे पड़ी दंपति मृत्यु घटना पांच जन को अटक रखी पचराउचरा करुछी पुलिस साइंटिफिक तदंत पर मृतदेह पड़ा स्थान में पड़ा रक्त छिटा हत्या संधरे तदंत कर कटक्रे रास्ताकड़ बसीगला कार तीन मृत एनए 16 तेलेंगा पेठ निकट मर्मतुद दुर्घटना मृतकों मध्य पूर्वतन मंत्री अमर प्रधान पु अंकुर प्रधान सूचना सीसीटीवी में कैद है दुर्घटना बेल दृश्य खोला अपराजिता षडंगी अफिस् सिल होबार सात दिन पर खोलगला कार्यालय अपराजिता कहले अफिस् बंद करवा बेआईन कोविड नियम उल्लंघन अभियोग सिल कर पूरी ट्रेन पड़ी घटना अभियुक्त सुभाष रामचंद्रन को 25 वर्ष जेल दंड 2015 नवंबर 12 रे प्लेटफॉर्म रे छिया होइतिबा तीनोटी ट्रेन रे निया लगाइथिले दुर्बृत्त दुई विधानसभा आसन रे उपनिर्वाचन पई रणनीति बालेश्वर तीर्तोड़ रे घर घर बुली प्रचार रे व्यस्त प्रार्थी आज प्रार्थीपत्र जांच 19 नामांकन पत्र प्रत्याहार एवं सुवर्णपुर जननी जंत्रणा तरभा ब्लक अंतर्गत बड़माल गांव आसला अभावन्य दृश्य रास्ता खराब जो गांव को आसलानी आंबुलांस देढ़ किलोमीटर चली चली गले प्रसूति बुलेटिन आरंभ करबा एक बड़ खबर दादाबटी आदय अभियोग रे ग्यांगस्टर राजा आचार्य गिरफ राजा को गिरफ करिछि कमिश्नरेट पुलिस गिरफ हेबा परे कैपिटल थाना रे जेरा करुछि पुलिस तबे एने अधिक तदंत जारी रखिछि पुलिस तबे पुरुणा बस स्टैंड अंचल रे बटी मागुथिले राजा उतांको सहयोगी सरकारी जागा जबरदखल करी दुकान करबा नारे टोंका मागुथिले राजांको सह तीन सहयोगी गिरफ होइछंती आ सह दामी बाइक सह सापळ ओ पॉलिथिन जबत करिछि पुलिस बीरंचिदा सत्या मामलें मुख्य अभियुक्त थे राजा दीर्घ दिन धरी जेल रे रहिबा परे सुप्रीम कोर्ट रु जमीन पाई बाहरी थिले ज्योति मोटर्स किडनाप्स मामलें मध्य राजा को संप्रुक्ति थिबा अभियोग होइथिला जेल रु बाहरीबा परे कटक मालगोदाम थाना पुरुणा मामलें गिरफ करिथिला तेबे ने अधिक आलोचना करबा पई हम भुवनेश्वर प्रतिनिधि रोशन रथ हम सहित फोन लाइन रे जोडी हेछंती तेबे रोशन जे बळे भाबे गैंगस्टर राजा आचार्य को गिरफ करा जाय छी तेबे केते बळे गिरफ करा गला एवं केउठारु गिरफ कला पुलिस देखो तो गोटे बड़ खबर होची गैंगस्टर राजा आचार्य को दादा बटी आदय मामला रे वर्तमान कमिश्नर पुलिस कैपिटल थाना गिरफ करती पुरुणा भुवनेश्वर पुरुणा बस स्टैंड अंचल जो किसी लोक को धमक चमक करवा तो दादा बटी आदय करवा गोटे सरकारी जगह को पजेसन लेकिन ताकू दुकान करके भड़ा करने आदय लोक पैसा मांगा इत्यादि सी और सहयोगी कर अभियोग होता है गत काली आप जानते कमिशनरेट पुलिस पक्ष गोटे स्पेशल टास्क फोर्स गठन कराई विशेषकर दादा बटी को ना ये गोटे नुआ प्रोग्राम आरंभ कर जो मैंने भी दादा बटी मागुचे भाव में शीघ्र गिरफ्त करडी पार कर गोटे स्पेशल टास्क फोर्स काम करती तेणु गोटे दिन पर ही स्पेशल टीम गठन हमारे गोटे दिन पर ही आज गैंगस्टर को उठे नहीं पुलिस ना पूर्व अनेक अपराधिक मामला रही सब बड़ कथा होती जो जिते जो हत्याकांड होता जी की संपृक्त थे दीर्घ दिन धरी जेल ज्योति मटर किडनैपिंग केस राजा आचार्य संपृक्ति अभियोग होता है सुप्रीम कोर्ट जमीन पाई जिते जेल रू बाहर कटक मालगोदाम थाना अंचल में जे गोटे दादावती आदाय मामलें ताकू गिरफ्त कर बड़ कथा होती 110 पूर्व लगी सारी 110 नियम अनुसार कोर्ट जो निर्देश देते हैं दु वर्ष भितर कौन से अपराधिक मामलें संपुक्त रही जदि से भायोलेंट करते तेज पुणी थे 110 लग बर्तमान जहां गत काल जो भाव में पुलिस कमिश्नर सूचना देते जो मैंने भी दादा भटी मागिले तढ़ी पार कर तेणु बर्तमान दादा राजा आचार्य को गिरफ्त करने तढ़ी पार करने कमिश्नर पुलिस योजना करती तेरे विरोध में क्यों क्यों दफा लग बर्तमान सुधा कौन सूचना मिल पारिना
अर्थात राजा ना पूर्व अभियोग रही जो राजा को गिरफ्त करा परवर्ती मुहूर्त में बेल राजा आसला बहुत बहुत धन्यवाद रोशन आप तमाम सूचना। ब्रजराज नगर नियारे पड़ी दंपति का मृत्यु घटारे ट्विस्ट मृतदेह पड़ा स्थान में रक्त पड़ा और घर बाहर विभिन्न स्थान में पड़ा रक्त छिटा स्थान में बाली ढांकी दि जाह घनीभूत हो हत्या सन्देह पुलिस पांच जन को उठाई नहीं अटक रखी पचराउचरा जारी रखी। गतकाली ब्रजराज नगर थाना अंतर्गत रामपुर कॉलोनी में घटी अभावन घटना गिरीबर दास और गीता दास नामक स्वामी स्त्री को हत्या परे पोड़ी मारी दिया जाइथवा संदेह करा जाउथला। घटनास्थल रे साइंटिफिक टीम सह एसपी राहुल पीआर ब्रजराज नगर रे जीपीओ दिलीप दास और ब्रजराज नगर पुलिस पहुंची छानबीन करबा परे मृतकों संपर्क जड़े युवती सह पांच जन को अटक रखी तदंत चलाइछे। अनेबडे विभिन्न दिगो को नै तदंत चलिथवा बेले मृतकों शव व्यवच्छेद रिपोर्ट आसीबा परे अधिक तथ्य जणा पडिबो बोली झारसुगुडा एसपी कहिछन्ते। केस इन्वेस्टिगेशन स्टेज रे अच्छी देखुचु इंक्वेस्ट आउ पोस्टमार्टम परे आउ तथ्य जाना पड़े। गतकाली नीट परीक्षा फल प्रकाश पाई चलित बर्ष मयूरभंज चारिजण छात्र मेडिकल कॉलेज रे नाम लिखाइबा योग्य बेचित होती जहाँकि मयूरभंज जिला एक नुआ आशा विश्वास संचार करने अनुष्ठान गौरव आनीपारी मानस महापात्र 614 नंबर रखिता बेले अर्पिता कुमार पंडा 605 नंबर रखिछन्ते। सेहिपरी जनजाति कैटेगोरी रु कार्तिका मुर्मू 394 नंबर एवं उमेश सरदार 400 नंबर रखी मेडिकल प्रवेशिका परीक्षा कृतकार्य होती। आज चारिज कृति छात्र को संबर्धित सहित उज्जवल भविष्य कामना करा विश्वास क्लासेस पढ़ुता चारिज कृति छात्र छात्री जिलार सबुआड़ प्रशंसार सुअ छुटबारे लगी। खुशी अच्छे समस्ते भी खुशी अच्छे मुझे खुशी अच्छे देह समस्त को देवी टीचर मैंने बहुत भल पढ़ाते स्टूडेंट मैंने भी बहुत भल पढ़ुले तो से पारे तो समस्त श्रेय देवे यू कोचिंग रू जाना 4 घंटा टाइम मिले 3-4 घंटा पढ़े आकी तो स्कूल तो जाए तो से टाइम हुए नहीं छुट्टी दिन में भल से पढ़े मुझे बहुत खुशी निजर मयूरभंज पाने जेहेतु पाँच गरीब दुखी पिला पाँचतापर आम आखपाखर धनी पाने भी पाँच मु बहुत खुशी घरे रही घरे रही कर पढ़ाऊँ सार मान को सब बाहर आणुची भुवनेश्वर आम बायोलॉजी सार आसती फिजिक्स सार बालेश्वर से पढ़ाती एटी पढ़ाती। कटक तेलेंगापेंट निकट में मर्मतुद सड़क दुर्घटना दुर्घटना में पूर्वतन मंत्री अमर प्रधान को पुओ अंकुर प्रधान को मृत्यु होती। 16 नंबर जातीय राजपथ कटक तेलेंगापेंट निकट में एक मर्मतुद दुर्घटना होता भारसाम्य हर रास्ताकड़ केनाल को पशी जाता दामी जगुआर कार दुर्घटन तीन जन मृत्यु होती। गतकाली राति 3टा कटक आड़ एक कार भुवनेश्वर आड़क द्रुत गति से आसुला तेज गाड़ी तेलेंगापेंट निकट में भारसाम्य हर रास्ताकड़े एक छोट केनाल भितर को खसी पड़ा गाड़ी पानी से बुड़ बेले पुलिस पहुंची गाड़ी में तीन जन को उद्धार कर कटक बड़ मेडिकल भर्ती करता से डाक्तर से मृत घोषणा कर रात 2:30 भितर आम दयाल ढाबा पाखे से गोटे मर्मत आक्सीडेट से एक्सपायर कर तीन जन सांग थे तीन जन जाक सांग एक्सपायर कर दे जन होमर पूर्वतन सांसद अमरनाथ पुओ आउ दु जन सांग जड़े आउ दु जन तर सी कटक आसी बाहर जेहतु ठीक तार कोई सांग पाक बोधे आसी से यूर फेरिक गला बाटर आक्सीडेट खोलिला अपराजिता षडंगी ऑफिस। अपराजिता षडंगी जन्मदिन उत्सव पालन वीडियो आधार में कार्यानुष्ठान नहीं भुवनेश्वर महानगर निगम 15 दिन सिल करने स्थान को विशोधन हो सूचना देता बीएमसी किंतु सिल होबार 7 दिन में खोलिला ऑफिस। अपराजिता षडंगी उपस्थित कार्यालय खोलते बीएमसी अधिकारी ऑफिस खोलिबा पूर्व सरकार को टार्गेट कले अपराजिता ऑफिस सिल करबा बेआईन थिला बोली से कहिछन्ते। एटा जोनल डेप्टी कमिश्नर दे चिठी आमे तांको अलाउ करुछु खोलिबा पई चिठी चाहूथिली जे से माने जो
जो तरीका अच्छी से तरीका रे कथाबार्ता करंतु आ भूल काम न करंतु बेआईन काम न करंतु आमे चाहुनु जे से माने बेआईन काम करंतु यस बंधुगण गोटिए कथा कहि दिए एडा काही कहली मु एडा काही मांगली राती रे आसी थिले दि जन को पठाई थिले खोली देबा पई काली राती रे 11टा रे मोर ऑफिसरन को घर को 11टा रात्रि मते फोन आसला खोलिबाकू चाहौछंती व्यस्त होछंती खोलिबाकू चाहौछंती मु कहितली आगे लेखा कोठी कहले लेखा दोनांती खाली आसी कोछंती आगे जल्दी जल्दी टिके खोली दबा रात्रि रे मु तांको कहितली जे विनम्रता सहित कथा हबो कहिबो जे लेखा दरकार आज सखळे आ दुई जन बंधु आसीथिले मु बीएमसी रे थिली प्रशासन प्रति मोर बहुत सम्मान रहिछि रहिबो सबबेले दिजन कर्मचारी तांकु कहा गला आसिकी हाथ रे लेखिकी देले आमे मना कलु कमिश्नर किंबा डेप्टी कमिश्नर लेखिकी दियंतु जेहेतु आसी जाइछि आमे सब बड़े प्रशासन सांगरे अछु प्रशासन सांगरे रहिबु। आज 2196 नुआ कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती क्वारंटीन रु चिन्हट 1274 चिन्हट होता बेले स्थानीय संक्रमण संख्या रही 922 खोर्धा सर्वाधिक 269 चिन्हट होता बेले कटक 175 चिन्हट होती आज 17 जन मुंड नहीं महामारी राज्य में मोट पॉजिटिव संख्या 266345 पहुंचा बेले सक्रिय केस संख्या 23786 रही सुधा कोरोन सुस्थ हो सारी 241385। पुणि फेरवा से खबर को दादाबटी आदय अभियोग गैंगस्टर राजा आचार्य को गिरफ्त कर राजा को गिरफ्त कर कमिश्नरेट पुलिस तेज गिरफ्तार कैपिटल थाना जेरा कर पुलिस तेज नहीं अधिक तदंत जारी रखी पुलिस पुणा बसस्टाण अंचल में बटी मगुला राजा और सहयोगी सरकारी जगह जबरदखल कर दुकान करने ना टा मगुला राजा राजा तीन सहयोगी को गिरफ्त दामी बैक शबल और पलिथिन जबत कर पुलिस तेबे एने जे रही जोन वन एसीपी मानस गड़नायक प्रतिक्रिया कौन रही आसतु नजर पकाइबा देखो आम रखीचु थाना गिरफ्त कराई एवं आम इन्वेस्टिगेशन चली आमको किसी समय लगे आपको आम डिटेल भाव में देखो देखो एवं आम डिटेन कर थाना रखीचु इन्वेस्टिगेशन चली आपको आम बहुत शीघ्र डिटेल तथ्य देख आम पुराणा बसस्टाण मार्केट बिल्डिंग पुराणा बसस्टाण पाखु आम डिटेल तथ्य आपको दौर बहुत यथाशीघ्र दूर तेबे नहीं अधिक आलोचना करिबा रोशन रथ आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि आम सहित पुणि थरे जोड़ी होती तेबे रोशन जो भाव जहाँ प्रतिक्रिया शुणुते जहाँ कह कमिश्नरेट पुलिस से नहीं अधिक तदंत कर दंडविधान रही से नहीं कार्यानुषान तेब जदि कह रोशन जे राजा आचार्य ग्यांगस्टर रही सी जन पेशादार अपराधी तेणु प्रति कौन कार्यानुषान आवश्यक रही निहाती भाव में देखो पूर्व राजा ना बहुत मामला रही देखा सबसे बड़ कथा विरोधी दास हत्या मामल में राजा मुख्य अभियुक्त थे जहाँ पर गिरफ्त से दीर्घ वर्ष धरी जेल थे यह छा चतुर्थ किडनैपिंग केस अनेक गुड़े दादाघटी कटक दादाघटी आदाय करवा विभिन्न प्रकार मामला रही तेणु जिते से जेल रू बाहर जेल जमीन में बाहर पुन थे मालगोदाम थाना पुलिस गोटे पुराना मामला में अरेस्ट करता ना षड़ी मामला रही है कहुए
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପୁଣିଥରେ ଦାଦାବଟିକୁ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଦାଦାବଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଟୁଇନ୍ ସିଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଶନ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ମୁଭ୍ରେ ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଏବଂ ବଡ କଥା ଅଛି ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହିତ ଆଉ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେସବୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତକାଲି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଏଭଳି ଦାଦାବଟି ମାମଲା ଆଦାୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯିବ ଥାନାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ପେସାଦାର ଅପରାଧୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଦାଦାବଟି ମାମଲା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯିବ ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାଯିବ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରାଜାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ସେ ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦାଦାବଟି ମାଗୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବରଦଖଲ କରିକି ସେଠି ପୋଜେସନ୍ କରିକି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ତିନି ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ତାଙ୍କଠୁ ଶାବଳ ଦାମୀ ବାଇକ୍ ଏବଂ ପଲିଥିନ୍ ମଧ୍ୟ ବନବୀର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସାର୍ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଭିତରକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ସାକ୍ଷାତ ହେଇନାହିଁ ନାହିଁ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି କଷ୍ଟଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରିଲାନି ତେଣୁ ଲେଟର୍ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଥରେ ଆସି ଦେଖିବା ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଆପଣ ତାଙ୍କର ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିପାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ବୋଲି କ'ଣ ସେ ପୋଲିସ କହିଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ସେ କ'ଣ ଲିଖିତ କୋର୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର କରିବା ଆଇଆଇସି ତ କହୁଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଯାହା ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ବି ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିପାର କରିବୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ ତଡ଼ିପାର କରିବୁ ବୋଲି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏନ୍ଏସ୍ଏ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଯଦି ପୋଲିସର ଆଇନ ଭିତରେ ପରିସର ଭିତରେ ଥିବ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଲଗେଇବେ ଯେଉଁଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏ ନଥିବ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କୋର୍ଟ ବିଚାର କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଆଭେଲେବୁଲ ନା ବେଲ୍ ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ ନା କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ନଲେଜରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏତଲା ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା ଆଲିଗେସନ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ କହିବା ଆଭେଲେବୁଲ କି ନନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ କି କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ସେସନ୍ସ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଓକିଲ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାରେ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଏନ୍ଏସ୍ଏ ଲଗାଯିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିପାର କରାଯିବ ବୋଲି ତେବେ ଆଇନ ପରିସର ଭିତରେ ଯାହା ଥିବ ପୋଲିସ ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଓକିଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେଉଁ କେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ମାମଲା ପୋଲିସ ଲଗେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରାଯିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଭେଲେବୁଲ ନା କେମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ତା'ର ବେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତା'ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଓକିଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇନି ତେବେ ଯେଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ଅନେକ ତମାମ ଅଭିଯୋଗରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ବେଲ୍ରେ ଛଡ଼ାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟାଇ ଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦାଦାବଟି ମାଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯାହା ଆଜି ସର୍କୁଲାର ଆମର ଏଠି ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ କହୁଛନ୍ତି ଦାଦାବଟି କେସ୍ ବୋଲି ସୋ ଦାଦାବଟି କେସ୍ ଏତେଲା ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ କ'ଣ ଆଲିଗେସନ୍ ତା'ଦେହରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆଲିଗେସନ୍ ଅଛି ଦାଦାବଟି ଅଛି ନା ନାହିଁ କି ଯେଉଁ ରିଗାର୍ଡିଂ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପୋଲିସ କିଛି କରିପାରିବ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ବି ହେଇଥାଏ ସେଭଳିଆ ସେ ଦେଖାଯିବ କୋର୍ଟର ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଲା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ ଆପଣ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସହିତ ଦେଖା କଲେ ନାହିଁ କୌଣସି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ତେଣୁ କ'ଣ ଦେଖା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ 110ରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ବେଲ୍ ଥିଲା ବେଲ୍କୁ ନାହିଁ 110ଟା କଣ୍ଡିସନାଲ୍ରେ ଆପଣ ଯାହା ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା ଇଜ୍ ୱିଦିନ୍ 6 months ସେଇଟା ଇମ୍ପୋଜ୍ ସେଇଟା ତାର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ବାଡ୍ କରିଯାଇଛି ତଡ଼ିପାର କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କହୁଛି ତଡ଼ିପାର ସେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଗ କୋର୍ଟକୁ ଲେଖନ୍ତୁ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାନ୍ତୁ କୋର୍ଟ କନସିଡର କରିବ ଇଏ ତ ତଡ଼ିପାର କରିପାରିବନି ସେମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇବେ କୋର୍ଟ ତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ତାକୁ ହିୟରିଂ କରିବ ତାକୁ ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଲା ଯେ ପର୍ସନ୍ଟା ତଡ଼ିପାର ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ତାହେଲେ କୋର୍ଟ ଅନୁମତି କରିବ ଏମିତି ଏମାନେ କରିପାରିବେନି ହାରାସ କରାଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଏଇଖାନେ କେମିତି କହିପାରିବି।
ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଓକିଲ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଜେଲ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇନି ଏବଂ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯାହା ପୋଲିସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଅର୍ଥାତ୍ କୋର୍ଟ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। आसवा परवर्ती खबर को पुरी रेल स्टेशन रे 6 वर्ष तले घटीतबा तीनोटी ट्रेन पोडी मकदबार राय प्रकाश पाइछ। अभियुक्त सुभाष रामचंद्र को दोषी साब्यस्त करा जायछे। मुख्य विचार विभागीय मजिस्ट्रेट डॉक्टर इंदु शर्मा शुक्रवार सुभाष को 25 वर्ष सश्रम कारादंड एवं 75,500 टका जरिमाना आदेश दैछन्ते। 2015 नवेम्बर 12 तारीख में पुरी रेल स्टेशन में भयावह ट्रेन पोड़ घटना घटी। प्लाटफर्म रही पुरी नुआदिल्ली नंदनकानन एक्सप्रेस पुरी तिरुपति बिलासपुर एक्सप्रेस एवं पुरी हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन केतेक स्लीपर कोच में कौन से दुर्बृत्त निआ लगे एथजू पांचटी स्लीपर कोच पोड़ पाउंस हो जाता। यह अग्निकाण्ड में कौन रेलयात्री किंवा कर्मचारी मृताहत हो न। गरीब हिताधिकारी चाउल हड़प उद्यम एभली किसी सांघातिक अभियोग अनुगुल ब्लक तलगड़ गाँव आभली अभियोग कर अनुसूचित जाति और जनजातिर हिताधिकारी हरिलुट पछे डिलर संपृक्ति सीधासलख अभियोग कर हिताधिकारी। महामारी महालुट दीवा लोकर हिताधिकारी चून लगा डिलर गरीब हिताधिकारी राशन सामग्री हड़प अभियोग चंचकता करी हिताधिकारी राशन लुटी ने डिलर यह होती अनुगुल ब्लक तलगड़ ग्रामर कांचन नायक बयसर अपराह पाद थापि सारी वयस्क असहाय महिला पर कहे से और भिन्नक्षम झील दीर्घ वर्ष पूर्व स्वामी आरपारी को चली जाते तेरे आगर मजूरी कम कर दुई पैसा रोजगार कर घर चल आग भम करंचन सरकारी राशन कार्ड में जहां कि चाउल मिले पेट को दुई मिठा दाना जाए तेरे निरीह असहाय ना राशन सामग्री हरिलुट नवेम्बर और डिसेम्बर नपूरण काले से पाई उभय मसर चाउल हेले बास्तवता किंतु संपूर्ण भिन्न तेरे संपृक्त अंचल डिलर चंचकता करी कांचन काले चाउल नहीं उल्लेख कर कांचन खातार ना खे दै जति कोन लिखी छी पाइछु बोली पाइछु बोले किंतु पाइछु कि नाही नाही तबे केवल कांचन हुती तळगड गार प्राय हिताधिकारी को क्षेत्र रे घटी छी एभली घटना। गरीब असहाय निरक्षरतार बेस फायदा नेबाकू उद्यम करिछंती संपृक्त डीलर काहाकू चाउल मिलिनाय त पूणी की आवश्यकता थारु कम चाउल पाइछि सेहिपरि काहाकू 2 किलो डाली त पूणी काहाकू 3 किलो सेपटे लोकों पुंजीभूत असंतोष नहीं अवगत होगा राशन कार्ड रे कांडछांड उद्यम करिछंती डीलर शुणतु केमिति क्यमेरा सामने निजर असंतोष जाहिर करिछंती हिताधिकारी। चाउल असुविधा है दुई मस चाउल से गैप करके से निजे जोसेकर आसिक कही जो चाउल मोरटा भूल फिर से निजे काटिक चाउल मिले भारी असुविधा होती चाउल जीत कथा से दौना जीत दबा कथा नहीं आग चुरी आठ मस चाउल पकई दौती दी मस चाउल दे चार मस एक्सट्रा पकई दौती कहले फिर उल्टा सीधा कहती डाली का तीन किलो मिले आमको 2 किलो लेखा मिलूँ जो कहला आमको उल्टा सीधा कहती ये गरीब लोग सारे अच्छे आम क्या कहीं शुना क्या अच्छे महामारी महालुट उद्यम से पुणी गरीब असहाय चाउल तेरे अभियोग पर आम जोगाण अधिकारी मतामत लोड़ू हेले से क्यमेरा सामने प्रतिक्रिया रखा मना करने घटनार तदंत कर कार्यानुष्ठान प्रतिश्रुति अनुगुल कैमरा पर्सन मनोज तपन दास का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समय सरिछि बुलेटिन को एठ रखुछ अधिक खबर पाई देखु थांतु अर्गस न्यूज नमस्कार।